सोच रही थी कि 75 साल आज़ादी के इसको इसके क्या मायने हैं हम लोगों के लिए जो देश के नागरिक हैं। एक तरफ एक सरकारी आदेश है कि इसको मनाना है और इस तरह से मनाना है, घर घर तिरंगा और ये सारी चीज़ें, और दूसरी तरफ इसी दिल्ली शहर में जो देश की राजधानी है उसमें लोगों के घर ढाए जा रहे हैं, और जिनके घर ढाए जा रहे हैं उनके बचाव में आप जैसे साथी, आप जैसे यंग लोग जा रहे हैं मदद करने के लिए, और देख रहे हैं कि लोगों के घर जो थे, कल तक घर थे, आज वो सड़क पर हैं। तो उसमें सचमुच में ये सवाल उठता है कि वो सारे जो वादे थे, प्रधानमंत्री के ही वादे थे कि 2022 तक, जब तक 75 साल देश के हो जाएंगे तब तक हर इंसान के पास में घर होगा वगैरह, उसमें जो सचमुच काम है हर नागरिक का कि वो याद दिलाएं और वो सवाल करें और जवाब मांगें, आज उस सवाल करने को, जवाब मांगने को कह दिया जा रहा है कि अगर आपने सवाल किया, अगर आपने जवाब मांगा तो आप देश विरोधी हैं। आपको सिर्फ बस तालियां बजाना है, आपको सिर्फ सलामी देनी है, सलामी भरनी है, आपका रोल जो है वो डिफाइन हो गया है, आपको इस तरह से पेश आना है। तो जैसे राजा का काम राजा होना है और आपका काम है बस सिर्फ, माने राजा सड़क पर चलेंगे तो आप में सिर्फ ताली बजाने का काम है, लेकिन ये किसी लोकतंत्र का दृश्य नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नागरिक का काम वो एक तरह से प्रजा होना हो, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। और आज़ादी के क्या मायने हैं, आज़ादी के पूरे मीनिंग को, उसके पूरे मायने को बदल देने की कोशिशें जो हो रही हैं उस पर शायद सबसे बड़ा सवाल उठाने की ज़रूरत है। आप खुद ही सोचिए कि मैं कुछ पिछले साल से ही देख रही हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जब जाते हैं किसी मंदिर पर तो वहाँ पर वो कहते हैं, ख़ास बात कहते हैं, वो कहते आ रहे हैं पिछले साल से, जब वो केदारनाथ गए थे तब शायद उन्होंने पहली बार इस चीज़ को कहा, तो उन्होंने कहा कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव आ रहा है और इस अमृत वर्ष में आप सब लोगों को जो आज़ादी के आंदोलन की बड़ी जगह है उसके साथ साथ आपको केदारनाथ जैसे मंदिरों पर जाना है। क्यों जाना है? तो उन्होंने कहा क्योंकि जो साधु, जो गुरु ऐसे मंदिरों में 800 वर्षों से, हजार वर्षों से गुलामी के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको याद करने के लिए आपको जाना है। तो भाई आप अगर किसी स्कूल के बच्चे को भी पूछिए, कम से कम आज के तारीख में, कल तो स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा वो भी बदल दिया जा रहा है, लेकिन स्कूल के बच्चे से पूछिए कि आज़ादी किस बात की मनाई जा रही है, किसकी गुलामी थी? आज़ादी मिली तो गुलामी थी ना किसी की, किस गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, किसने, कौन लड़ा? तो वो सीधा कहेंगे कि अंग्रेज़ों की गुलामी थी। अंग्रेज़ों ने दुनिया के कई सारे देशों को गुलाम बना रखा, उसमें भारत भी था, और कई सारे देशों के साथ साथ भारत में भी एक ज़बरदस्त आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया, और उस आज़ादी के आंदोलन के अंत में आपने देखा कि भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आज जिसे हम बांग्लादेश कह रहे हैं उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट के ये देश हैं, ये उस आज़ादी के आंदोलन के नतीजे हैं। तो ये जब आप कहते हैं तो ये 800 साल, हजार साल की बात कहाँ से आ रही है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? दरअसल वो जो 200-250 साल की लड़ाई थी आज़ादी की, उस आज़ादी के आंदोलन में मोदी जी के जो पूर्वज थे, और मेरा कहना ये बायोलॉजिकल इससे नहीं है, आइडियोलॉजिकल इससे है, उनके जिस विचार को वो मानते हैं उनके लोग उसमें शामिल ही नहीं थे। वो सब कहते थे कि भाई नहीं नहीं अंग्रेज़ों से क्या लड़ना, हमको लड़ना है तो लड़ाई के बीज बोने हैं, जहां लड़ाई ना हो उसमें लड़ाई लगाना है, हिंदुओं को लड़ाना है मुसलमानों के खिलाफ, जहां ईसाई मिल जाए ईसाइयों के खिलाफ, जहां बौद्ध मिल जाए बौद्धों के खिलाफ। बिल्कुल सीधी सी साफ सी बात है, और इसके लिए आप मेरी बात मत मानिए, आप लोगों से कहिए कि वो ज़रूर ज़रूर गोलवाल करके किताबें उठा करके पढ़ें, ज़रूर पढ़िए,
क्योंकि उसी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है ये सारी बातें, कहीं छिपी हुई नहीं है इसमें। उसमें वो कहते हैं कि जो शहीद हो रहे हैं देश के लिए, जो जेल जा रहे हैं देश के लिए, वो कह रहे हैं कि बड़े मूर्ख हैं ऐसे लोग, और इनको माना जाए कि ये फेलियर है। पास फेल की बात होती है ना, तो गोलवालकर ने कहा कि जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो उनकी शहादत हो या उनका जेल जाना हो, इसको उनकी कमज़ोरी मानी जाएगी ना, इनको तो फेलियर माना जाएगा। तो सक्सेसफुल कौन है? वो गोलवालकर हैं जो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए। तो जेल ना जाना, बढ़िया से बचे रहना, अंग्रेज़ों से मित्रता करना, दोस्ती करना, उनसे माफ़ी मांगना, उनकी गुलामी करना, और नफ़रत के बीज बो बो करके अंग्रेज़ों की मदद करना, क्योंकि अंग्रेज़ों का ये अच्छा खासा नारा था कि डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो। बांटने के लिए भाई साहब तैयार बैठे थे। तो ये आरएसएस के जो लोग थे या हिंदू महासभा के लोग थे, वो ये 200 साल की आज़ादी की लड़ाई में शामिल ही नहीं थे, शामिल होने के खिलाफ थे। और इसलिए आज वो 800 साल 1000 साल की जो बात कर रहे हैं, वो उसको एक तरह से घसीट के ला रहे हैं। उनसे अभी भी बोला नहीं जा रहा कि अंग्रेज़ों से लड़ करके देश को आज़ाद किया गया, देश देश बना, नहीं बोला जा रहा मोदी जी से। और उनको कहना पड़ रहा है कि नहीं, वो उस समय से लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? वो कहना चाह रहे हैं कि भाई मुसलमान कभी थे जो राज किए, तो उनके खिलाफ हिंदुओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। क्या ये सच है? इसमें भी मैं कहूँगी कि अगर यहाँ इतिहास के छात्र नहीं हैं, इतिहास की किताबों को उठा करके पढ़िए, इंटरनेट पर कतई भरोसा मत करिए, इंटरनेट में या व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा मत करिए, उठा करके पढ़िए, और एक किताब नहीं कई किताबों को उठा करके पढ़िए, और देखिए कि जहाँ पर कोई हिंदू राजा लड़ रहा है, वहाँ पर उसका जो सैनिक है, उसका जो कमांडर इन चीफ है, वो किस धर्म का है, पता चलेगा मुसलमान है। जहाँ मुसलमान लड़ रहा है, मुगल लड़ रहा है, उसका कमांडर इन चीफ कौन है? वो राजपूत है। तो ये इस तरह के आपको इतने उदाहरण मिलेंगे, लाइन से आपको उदाहरण मिलेंगे, जिसमें जो मुसलमान है वो मंदिर बना रहा है, बनवा रहा है, वो उदाहरण भी मिल जाएंगे ढेर सारे। क्योंकि ये सारे लोग उस समय का जो कि जो राजनीति का चेहरा था, वो इसी तरह से चलता था। लोग बिल्कुल समझदार थे, राजनीति करते थे, और इसमें जो लोग थे वो इनमें से किसी को बाहर का नहीं समझे, क्योंकि वो थे ही नहीं बाहर के। भारत जैसा, जिसको आज हम भारत कहते हैं, इसके ज्योग्राफिकल एरिया में इसका इतिहास इतना फैसिनेटिंग इतिहास है, उसको आप जानिए तो कौन नहीं आया यहाँ पर? इतने तरह तरह के लोग पूरे दुनिया भर से आए, और जो बना है हमारी संस्कृति, वो उन सब के मेल से बना है, वो उसकी यूनिकनेस है। एक ही बार लड़ाई लड़ी गई, और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ का होने नहीं आए। शुरू शुरू में जब आए, तो वो किताब है, मेरे ख्याल से नाम है वाइट मुगल्स, तो शुरू में आए तो एक तरह से उनमें से कई लोग उसी तरह से यहाँ के हो गए, रहने लगे, यहाँ का खान पान अपना लिए वगैरह। किसी ने उनका विरोध नहीं किया, किसी ने उनके खिलाफ आंदोलन नहीं किया। लेकिन जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलाने लगे, जब वो कहने लगे कि यहाँ का सब कुछ लूट करके हम वहाँ ले जाएंगे समुंदर पार, और यहाँ पर आपको गुलामी हमारी करनी होगी, उस समय आंदोलन छेड़ा गया। और ये बिल्कुल यहाँ तक कि सावरकर, जिन्होंने 1857 पर किताब लिखी, आजकल ये ढेर सारे लोग कहते हैं कि 1857 पर पहली किताब, ये तो सावरकर ने लिखा, आपको मानना पड़ेगा। 1857 पर पहली किताब अलीगढ़ के जो फाउंडर है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उन्होंने लिखी पहली किताब, आप देख लीजिए, उसका नाम मैं अभी मिस कर रही हूँ, सर सैयद अहमद खान ने किताब का नाम मैं मिस कर रही हूँ, सर सैयद की किताब का, उसमें उन्होंने पहली किताब लिखी जिसमें उन्होंने इस पर लिखा। और वो इसमें बार बार ये कह रहे थे कि जो इसमें मुस्लिम शामिल थे बड़े संख्या में, तो पूरे मुस्लिम समुदाय को एक तरह से कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा था अंग्रेज़ों द्वारा, उन्होंने उसके खिलाफ लिखा। सावरकर ने भी लिखा, सावरकर की किताब को पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें भी वो जानते हैं कि 1857 पर लिखेंगे तो हर पन्ने में आपको जो है हिंदू मुस्लिम एकता का जिक्र करना पड़ेगा,
क्योंकि हर लड़ाई इसी तरह की थी, हर लड़ाई इसी तरह की थी। कैसे लिखें, तो दिल पे पत्थर रख करके वो बार बार वो एक तरह से मेंटल जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं समझाने के लिए खुद को कि क्यों मुसलमानों के साथ हम लड़ाई लड़े। और वो बेचारे बड़े परेशान हैं उसको समझाने में, कैसे टैक्टिक्स समझा रहे हैं अपने आप को कि जरूर इस वजह से किया होगा, उस वजह से किया होगा। लेकिन 1857 में लड़ने वालों की अपनी बातों को लिखिए पढ़िए, तो वहाँ उनको इस तरह की कोई हिचक नहीं थी, कोई कुछ नहीं सोच रहा था, कोई लंबी वहाँ पे बहस नहीं चल रही थी कि मुसलमानों के साथ लड़ें कि खिलाफ लड़ें कि क्या लड़ें, सब साथ में लड़ रहे थे। तो ये जो सच्चाई है इसको ढकने के लिए आज वो 800 साल 1000 साल की बातें कर रहे हैं और आपको गुमराह करने की कोशिश, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर आज़ादी का मतलब है हिंदू देश, और हिंदू देश का बनना यानी हिंदू फर्स्ट देश का बनना, हिंदू अव्वल नागरिक होगा, सिटीजन होगा, वैसा देश हम बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग ऐसा देश चाहते थे? आप खुद ही पढ़ लीजिए भाई, कैसा भारत चाहते थे आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग, कैसा देश चाहते थे, उसकी बात पढ़िए और गोलवालकर की किताब को साइड रख करके पढ़िए। मैं दोनों का जिक्र करती हूँ आपसे। एक बात ले लीजिए भगत सिंह की, भगत सिंह और उनके साथियों ने कहा कि हम तो ऐसा देश चाहते हैं, ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें इंसान द्वारा इंसान का शोषण हो ही ना। इसका मतलब उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए हमारे लिए आज़ादी का मतलब क्रांति है, हमारे लिए आज़ादी का मतलब ऐसी दुनिया जिसमें किसी के द्वारा किसी देश द्वारा किसी दूसरे देश का शोषण ना हो, किसी इंसान द्वारा किसी इंसान का नहीं, किसी समुदाय द्वारा किसी दूसरे समुदाय का नहीं। हिंदू मुस्लिम में बांटने वाली जो राजनीति थी उसके खिलाफ उन्होंने लिखा बोला। जाहिर सी बात है कि आज वो देश हमारा नहीं है अभी तक, और उसके लिए जो लड़ रहे हैं उस तरह के देश के लिए, जो मजदूरों के हक के लिए लड़ते हैं, किसानों के हक के लिए लड़ते हैं, आज उन्हीं लोगों को, भगत सिंह के रास्ते चलने वाले लोगों से कहा जा रहा है कि तुम देशद्रोही हो। नंबर वन, भीमा कोरेगांव में जिसको जेल में डाला हुआ है, हमारे आपके छात्र दोस्त जो हैं उमर खालिद और उनके तमाम साथी जिनको अंदर डाला हुआ है, वो सारे क्या हैं भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले नौजवान नवयुवती नहीं तो हैं कौन ये लोग? लेकिन दूसरी तरफ ले लीजिए भाई, आज़ादी के लिए लड़ने वालों में खूब बहसें थी, सब एक मत के नहीं थे, और कोई भी ढंग का आंदोलन दुनिया में किसी आंदोलन को ले लीजिए, वो अगर कायदे का ढंग का आंदोलन है तो उसमें कोई एक मत के सारे लोग नहीं होंगे, सबके अलग अलग मत होंगे, सभी मतों को साथ लेकर के चलना ये ज़रूरी है। लेकिन उसमें वो सब इस बात पर एक थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है और देश को आज़ाद करना है, और उसके बाद एक अच्छा देश, ऐसा देश बनाना है जिसमें सारे लोग रह सके। उसमें जो शामिल थे, उसमें गांधी जी की बात ले लीजिए, गांधी जी की बात जो उन्होंने कहा कि आखिरी इंसान को देख करके आप जज करिए कि देश जो है वो काम अच्छा कर रहा है और सब लोगों को इंक्लूड करके चल रहा है कि नहीं। आज किसके लिए काम हो रहा है, आखिरी इंसान के लिए या वो जो टॉप पर नंबर वन इंसान है पूरी दुनिया में, अभी चौथे पर है शायद पहुंचा हुआ, अडानी जी के लिए जो नरेंद्र मोदी के पुराने दोस्त हैं, साथी हैं। जैसे जैसे मोदी जी का ये बढ़ा राजनीति में, वैसे वैसे अडानी की जो संपत्ति है वो बढ़ती गई। उस नंबर वन के लिए काम किया जा रहा है, आखिरी इंसान कहाँ, आखिरी इंसान को तो भूल जाओ, आखिरी इंसान का घर ढहा दो, आखिरी इंसान को कहो कि राशन के लिए पहले 20 रुपया भर करके ये ले जाओ, फ्लैग ले जाओ, तिरंगा ले जाओ, आखिरी इंसान को डराओ धमकाओ, आखिरी इंसान को देश के पुलिस थाने के अंदर में टॉर्चर करके कहलवा दो कि मैंने फलाना जुर्म किया है और उसके बाद फांसी पर चढ़ा दो उसको, आखिरी इंसान को एनकाउंटर में मार दो, आखिरी इंसान को एनकाउंटर में मारने के बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और कहेगी कि भाई मुझे न्याय चाहिए, कहीं और नहीं मिल रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहलवा दो कि नहीं तुमको ही जेल भेज देते हैं, तुम कैसे पहुंची यहां पर, जनसंहार के लिए न्याय मांगने की जरूरत कैसे की तुमने, सरकार के खिलाफ अगर तुमने कुछ भी बोला, सरकार पर पुलिस पर आरोप लगाया, वो गुजरात हो चाहे गोमपाड़ हो, तो इसका मतलब भाई माई बाप ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, सरकार के वकील ने कह दिया
कि ऐसा करने वाले सारे आतंकवादी के फ्रंट होते हैं, सारे देश विरोधी काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कान पकड़ करके सुन लिया और वही वही लिख दिया स्टेनोग्राफर की तरह। आखिरी इंसान की तो ये हालत है।